सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना स्पीड न्यूज विच आप सब का स्वागत करती हूं। पुलिस ने 26 जनवरी को होने जा रही किसानी ट्रैक्टर परेड रैली मंजूरी दे दी है। किसान आगू ने कहा कि किसान दिल्ली विच दाखिल होंगे और शांति नाल मार्च करेंगे। परेड का रूट आज फाइनल होगा। पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सोशल मीडिया से काफी सरगर्म रहते हैं। सिद्धू अक्सर केंद्र की मोदी सरकार के निशाने विंदे रहते हैं। हाल ही में सिद्धू ने मोदी सरकार को घेरिया। सिद्धू ने ट्वीट करके केंद्र सरकार तो पूछा कि होर किन्ना डिगेगी केंद्र सरकार। सिद्धू किसानों को लेकर भी सोशल मीडिया से काफी एक्टिव रहते हैं। पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा के कोल भारत और चीन की फौजों विचाले चल रहे तनाव को घट करने लिए आज एक बार फिर दोनों विचाले सेना कमांडर पद्धर की बैठक हो रही है। यह बैठक चीन वालों बुलाई गई है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे ते ने, उते ही तिरुपुर विच राहुल गांधी ने वादा किया है कि जेकर वह सरकार विच आउंदे ने तां जीएसटी विच बदलाव करनगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र विच उन्हां दी पार्टी की सरकार बनने ते माल अते सेवा कर नूं फिर नवा रूप दिता जाएगा। शाहपुर कंडी पुलिस ने क्रिकेटर सुरेश रैणा के फुफड़ तरियाल निवासी ठेकेदार अशोक कुमार के घर में 19 अगस्त 2020 सन लगा के हत्या ते लूट की वारदात को अंजाम देने के दोष में एक महिला मुलजम जबराना पत्नी शेखू राम को राजस्थान के पिंड चुराबा तों गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की सृष्टि गोस्वामी आज एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएगी। बालिका दिवस के दिन सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी मंजूरी दी है। देश में पहली बार अजिहा हो जा रहा है जो मुख्यमंत्री के हुंदिया कोई होर एक दिन लिए सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दौरान विधानसभा के कमरा नंबर 120 में बाल विधानसभा करवाई जाएगी, जिस विच एक दर्जन विभाग अपनी पेशकारी पेश करेंगे। दिल्ली के संसद मार्ग से स्थित आकाशवाणी भवन की पहली मंजिल से अग लग गई है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने कहा है कि किसी के झुलसन और जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। अग पर काबू पा लिया गया। तेंदुए को मार के खाने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला केरला के इडुकी जिले का है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बेंगलुरु तो पटना आ रही विस्तारा एयरलाइंस की उड़ान नाल एक पंछी टकरा गया। इस तो बाद जहाज की एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जहाज की लैंडिंग तो बाद खराबी आई है, जहाज रनवे से खड़े। हालांकि जहाज में सवार सारे यात्री सुरक्षित ने। शनिवार को ठंड तो थोड़ी राहत मिलने मगरों एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 26 जनवरी तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शीतलहर चलेगी। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और चंडीगढ़ में एतवार तक यानी कि आज हल्की बारिश और हनेरी के नाल मीह पैने की संभावना है।